गाइस, वेलकम टू माय चैनल खानाशाना। तो आज की हमारी रेसिपी है आलू का पराठा। ये ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आई वुड रेकमेंड कि आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैश्ड पोटैटोस मैंने आधा किलो लिए हैं, कैरेट एक लिए मैंने कद्दूकश की हुई, प्याज एक लिया है मैंने चॉप्ड, धनिया एक टेबलस्पून लिया है और हरी मिर्च कटी हुई एक ली है। और मसालों में यहाँ मेरे पास कुटी लाल मिर्च एक टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा एक टेबलस्पून, चिकन पाउडर एक टीस्पून और नमक आधा टीस्पून। अब हम एक बोल में ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे, स्पाइसेस भी ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जब हमारा ये मिक्स हो गया तो हमने नॉर्मल आटे के पेड़े ले लिए और मिक्सचर भी साइड में निकाल लिया। अब हम एक पेड़ा लेकर उसे बेल लेंगे। ये हमने बेल लिया। अब हमने दूसरा पेड़ा लिया और उसको भी उसी साइज का हम बेल लेंगे। जब ये हो गया तो हमने नीचे मैदा लगा दिया और थोड़ा सा घी लगाकर उसके ऊपर हमने मिक्सचर का एक क्वांटिटी डाल दी। उसके बाद हमने जो दूसरा बेला हुआ था हम वो उसको ऊपर रखेंगे उसके, ये देख सकते हैं आप लोग कि मैंने उस पे भी आटा लगाया है या मैदा, जो भी आप चूज करें, और इस तरह से उसको कॉर्नर से उंगलियों से सील कर दिया। जब सील कर दिया तो अब हमारा मिक्सचर अंदर पैक हो गया। अब आपको बस रोटी को अच्छे से बेल लेना है। और बस अब आप इसको नॉर्मल पराठे की तरह पका लेंगे, अच्छा सा कलर देंगे और ये रेडी है। तो ये गर्मा गर्म क्रिस्पी आलू के पराठे अब खाने के लिए रेडी हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।